हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है बेटा। तो बच्चों, हम लोग आरएस इंटीग्रल मतलब रीमन स्टेलियस इंटीग्रल के बेटा अगले वीडियो पर आ चुके हैं। तो बच्चों, इसके अलग एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक बेटा नीचे दिया गया है, उसको स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आपको आने वाला है। और रीमन इंटीग्रल भी मैंने पढ़ा दिया है, और भी मैथ्स की दुनिया के बहुत से टॉपिक बेटा मैंने पढ़ा दिए हैं। तो मैंने कुछ नीचे लिंक दे दिए हैं, बाकी लिंक सबका दे पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो आप टॉपिक के नाम से सर्च करिएगा जो भी टॉपिक चाहिए, और लिख दीजिए टॉपिक नेम और लिख दीजिए बाय HD मैथमेटिक्स, तो आपको मिल जाएगा, ये चांसेस हैं। ठीक है, अगर मैंने कहीं पर भी पढ़ाया हुआ। देखो बच्चों, आज हम लोग RS इंटीग्रल का एक और इम्पॉर्टेंट सवाल यहाँ पर करने वाले हैं। देखो बच्चों, आरएस इंटीग्रल की बेसिक थ्योरी क्या होती है, इसकी थ्योरम क्या होती है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अभी मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ कि हम लोग क्वेश्चन कैसे करेंगे। देखो ध्यान दो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमें क्वेश्चन दिया जाए इंटीग्रल 0 to 1 xdx² इसका इंटीग्रेशन करना हो, और कहा जाए कि बाय पार्टीशन मेथड। अब देखो यहाँ पर एक नई चीज ये आ गई, हमसे कहा गया इस क्वेश्चन को पार्टीशन मेथड से करिए। देखो मैंने बताया था आरएस इंटीग्रल की खास बात क्या होती है, इसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। देखो जैसे अगर ये क्वेश्चन हमें सिंपल मेथड से करना होता तो बहुत आसान था। मैंने क्या बताया था कि भाई d ऑफ x स्क्वायर को लिख सकते हैं 2x dx। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x dx। तो देखो ये 2 बाहर आ जाएगा और x² dx 0 से लेकर 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगा, 0 से 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। सवाल एक लाइन में हो गया। लेकिन अब हमें ये सवाल इस मेथड से नहीं करना, अब हमें इसको करना है पार्टीशन मेथड से। पार्टीशन का मेथड का मतलब हो गया कि बेसिक थ्योरी। किसकी बेसिक थ्योरी? बेसिक थ्योरी किसकी बोलो? बेसिक थ्योरी आर एस इंटीग्रल की। बेसिक थ्योरी हमें आर एस इंटीग्रल की बेसिक थ्योरी से ये सवाल करना है, इस मेथड से नहीं करना, क्योंकि इस मेथड से तो ये दो लाइन का सवाल है, खत्म हो गया। तो अब हमें ये सवाल करना है बेटा आर एस इंटीग्रल की बेसिक थ्योरी से। तो देखो बेसिक थ्योरी से हम लोग क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जरा इस बात को समझो। देखो बेसिक थ्योरी का जो आर एस इंटीग्रल की बेसिक थ्योरी है, इसका जो मेन फार्मूला होता है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये बेसिक थ्योरी कहाँ से आई इसको भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, बेसिक थ्योरी कहाँ से आई इसको भी आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन इस बेसिक थ्योरी का देखो जो मेन फार्मूला है आर एस इंटीग्रल की, वो देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो ध्यान दो, इसमें अगर मान लो f एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड है, f एक फंक्शन कैसा है? बाउंडेड है। और gx एक फंक्शन है जो मैंने बताया था नॉन डिक्रीजिंग है, ये मैंने पहले भी आपको समझाया था। gx फंक्शन कैसा है? नॉन डिक्रीजिंग है ना, किस पर? किसी इंटरवल ab पर। ab पर जो हमारा फंक्शन f है वो बाउंडेड है। बाउंडेड का मतलब उसकी वैल्यूज फाइनाइट है, वो कभी इनफाइनाइट नहीं होता है। और जी एक्स नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग का मतलब या तो इंक्रीज करेगा या कांस्टेंट होगा इस पूरे इंटरवल पर, है ना। तो मैंने बताया था ऐसे में हम इस एफ को इंटीग्रेट कर सकते हैं ए से लेकर के बी तक जी के रेस्पेक्ट में। तो अगर हम एफ को जी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो देखो इसका फार्मूला होता है लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो सिग्मा एफ ऑफ सी आर एंड डेल्टा ऑफ जी आर। आर की वैल्यू जाएगी 1 से लेकर के एन तक। तो कुछ इससे मिलता जुलता फार्मूला हम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने रीमन इंटीग्रल में भी बच्चों यहां पर पढ़ा था। ठीक है, डेल्टा जी आर, और ध्यान रखना जो ये डेल्टा जी आर है ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन, ऐसे करके ये होगा, है ना। डेल्टा जी आर की जो वैल्यू होगी ये ऐसे करके यहाँ पर होगी। और ध्यान रखना ये जो सी आर है ना, सी आर
ये आएगा एक्स आर माइनस वन कॉमा एक्स आर के बीच में से कोई भी एक। देखो अब ये जो एक्स आर है, एक्स आर माइनस वन है, ये सब कहां से आएंगे? ये सब आएंगे पार्टीशन से। हम क्या करेंगे, जो हमारा इंटरवल होगा, इंटरवल इसका पार्टीशन करेंगे। सबसे पहला वाला जो होगा एक्स नॉट, उसे ए मान लेंगे, फिर एक्स वन होगा, फिर एक्स टू होगा, फिर एक्स थ्री होगा, बीच में एक्स आर होगा, और लास्ट में जो एक्स एन होगा उसको बी मान लेंगे। मतलब ए बी का हम एक पार्टीशन करते हैं। तो उसी पार्टीशन से हमें ये एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स आर एंड सो ऑन, ये सब मिलते हैं। मतलब जो सी आर की वैल्यू है वो एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में कुछ होगी। सिग्मा लगाना है, एफ ऑफ सी आर निकालना है, डेल्टा जी आर चाहिए। डेल्टा जी आर का मतलब जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन। तो इस फार्मूले को अगर आप बच्चों याद कर लेंगे, और ऐसा ही कुछ फार्मूला हम लोगों ने रीमन इंटीग्रल में ही पढ़ा था, वहां पर जी आर नहीं था बल्कि यहाँ पर एक्स आर था, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे। यहाँ जी आर है, वहां डेल्टा एक्स आर था क्योंकि वहां पर हम एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते थे, है ना। ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था रीमन इंटीग्रल में ये कॉन्सेप्ट। देखो अब सबसे पहली बात तो बच्चों एक बात और ध्यान रखना कि ये है नॉर्म पी, है ना, ये है नॉर्म पी। नॉर्म पी का मतलब जो ये गैप है, गैप में से जो सबसे बड़ा गैप होता है उसको नॉर्म पी कहते हैं। जैसे बहुत सारे गैप हैं, ये गैप है x2 माइनस x1 का गैप है, x3 माइनस x2 का गैप है, तो इनमें से जो सबसे बड़ा गैप होता है वो नॉर्म पी होता है। और एक बात ध्यान रखना, इस नॉर्म पी की जगह पर हम n टेंडिंग टू इंफिनिटी लिख सकते हैं अगर पार्टीशन इक्वल है। अगर इक्वल पार्टीशन है तो, अगर पार्टीशन इक्वल है तो इस नॉर्म पी की जगह, इक्वल पार्टीशन का मतलब ये सब बराबर बराबर डिस्टेंस पर पॉइंट लिए गए, मतलब इनके बीच के गैप बराबर है, है ना। x0, x1, x1, x2, x2, x3, इनके बीच के गैप अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे हमारे पार्टीशन इक्वल है। इनके जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर लिए गए हैं। जब पॉइंट्स को इक्वल डिस्टेंस पर लिया जाएगा तो हम कहेंगे हमारे गैप बराबर हैं, है ना। तो जब गैप बराबर है या इक्वल पार्टीशन है तो नॉर्म पी टेंडिंग टू जीरो की जगह हम एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां पर लिख सकते हैं। देखो समझो, अब सबसे पहली बात, जो हमें इंटरवल दिया गया वो 0 टू 1 दिया गया, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, ये पार्टीशन देखेंगे। और ध्यान रखना, हम जो पार्टीशन यहाँ पर लेंगे वो इक्वल पार्टीशन लेंगे, मतलब जो गैप लेंगे वो बराबर बराबर लेंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना हमेशा इस टाइप के सवालों में। वैसे तो पार्टीशन अलग अलग भी ले सकते हैं, लेकिन हम जो लेंगे बराबर बराबर लेंगे। देखो तो हम कैसे लेंगे पार्टीशन, सबसे पहले तो हम 0 लेंगे, फिर हम क्या लेंगे 1 बाई एन लेंगे, फिर लेंगे 2 बाई एन, फिर लेंगे 3 बाई एन एंड सो ऑन, फिर लेंगे r बाई एन एंड सो ऑन, फिर लेंगे हम n बाई एन सबसे लास्ट वाला। तो ये हो गया देखो अपना 0 और ये हो गया 1, और देखो ये इक्वल इक्वल का गैप हो गया, ये भी 1 बाई एन का गैप, ये भी 1 बाई एन का गैप, ये भी। तो देखो ये हमने पार्टीशन जो लिए हैं वो इक्वल गैप पर लिए हैं, इक्वल पार्टीशन यहाँ पर ये है, है ना। मतलब ये हमारा x1 हो गया, और ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा x3 हो गया, और ये हमारा xr हो गया, और ये हमारा xn हो गया लास्ट वाला। तो ऐसे देखो यहाँ पर हम लोगों ने ये बच्चों पार्टीशन लिए हैं। देखो जो सवाल हमें दिया गया उसमें f हमारा x है, जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसमें जो हमारा f है वो यहाँ पर x है। समझो देखो क्या होगा, जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग एफ हमारा एक्स है और जी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, सबसे पहले देखो चाहिए होगा डेल्टा जी आर। डेल्टा जी आर का मतलब हो गया जी ऑफ एक्स आर माइनस जी ऑफ एक्स आर माइनस वन। देखो जी ऑफ एक्स आर, एक्स आर क्या है, ये है आर वाई एन, और एक्स आर माइनस वन क्या होगा, ये हो जाएगा r माइनस वन बाई एन। समझो भाई ये एक्स आर है तो इसके पीछे r माइनस वन बाई एन होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स आर माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा। देखो g ऑफ r बाई एन की वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया r बाई एन का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो गई, ये हो गया r माइनस वन बाई एन का होल स्क्वायर। ये देखो इसकी वैल्यू,
जी ऑफ एक्स ये है भाई, ये क्या है, ये है जी ऑफ एक्स ना, तो जी ऑफ आर बाई एन ये हो गया, जी ऑफ आर माइनस वन बाई एन देखो ये हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब हमें सी आर चाहिए, देखो सी आर जो है इस इंटरवल में से कोई भी ले सकते हैं, तो मैंने कहा मान लो हमारा जो सी आर है वही एक्स, क्योंकि इस गैप में से सी आर कुछ भी ले सकते हैं, इस क्लोज इंटरवल में से सी आर हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने कहा मान लो सी आर भी एक्स आर के बराबर है, मान सकते हैं। तो सी आर क्या हो गया, सी आर हो गया आर बाई एन, क्योंकि एक्स आर यही है अपना, आर बाई एन है, बात समझे। तो देखो एफ ऑफ सी आर, एफ ऑफ सी आर का मतलब हो गया एफ ऑफ आर बाई एन और एफ ऑफ आर बाई एन, एफ एक्स क्या है एक्स के बराबर है भाई, ये एफ एक्स है एक्स के बराबर, तो एफ ऑफ आर बाई एन क्या हो गया, आर बाई एन के बराबर हो गया। और अब हम इसमें सारी की सारी वैल्यूज देखो रखेंगे, अब हम इसमें यहां पर सारी की सारी वैल्यूज बच्चों देखो यहां पर रखेंगे, समझो ध्यान से। देखो क्या होगा, नॉर्म पी की जगह एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कर दें, क्योंकि हमने पार्टीशन इक्वल लिया, तो यहां पर मैं एन टेंडिंग टू इंफिनिटी कर सकता हूं नॉर्म पी की जगह, क्योंकि मैंने यहां पार्टीशन देखो सारे इक्वल लिए, समझो ध्यान से देखो क्या हुआ। अब क्वेश्चन देखो हमारा यहां से इजी हो गया, हमने सारी वैल्यूज इसमें रखनी है और उसके बाद सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। देखो समझो क्या हुआ, ये हुआ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा एफ ऑफ दिस, एफ ऑफ दिस की वैल्यू देखो हो गई आर बाई एन है ना, और डेल्टा ऑफ दिस, डेल्टा ऑफ दिस की देखो वैल्यू ये हो गई, ये क्या हो गई आर स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस आर माइनस वन का स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, देखो यहां से इसकी वैल्यू ये ऐसे करके आ गई, ठीक है। और आर कहां से कहां जाएगा, आर जाएगा हमारा वन से लेकर के एन, आर जाएगा वन से लेकर एन, देखो क्या हुआ यहां पर समझो, ये एन स्क्वायर ये एन क्यूब बाहर आ जाएगा, क्योंकि सिग्मा का वेरिएबल आर है भाई, सिग्मा का वेरिएबल आर है तो सिग्मा के बाहर हम एन को ला सकते हैं, तो ये एन स्क्वायर और वन की आ जाएगा एन क्यूब, एन क्यूब लिमिट के बाहर नहीं आएगा, सिग्मा के बाहर आ सकता है, क्योंकि सिग्मा की वैल्यू आर से चल रही है तो एन कॉन्स्टेंट है, तो क्या बचा सिग्मा आर बचा, आर स्क्वायर इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर प्लस वन माइनस टू आर हो गया, ये हो गया लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन बाई एन क्यूब सिग्मा, ये आर है ये आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या आएगा, ये आएगा टू आर माइनस वन हो जाएगा, आर फ्रॉम वन टू एन होगा, ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको समझो ध्यान से बच्चों, इजी है काफी है ना। देखो अब यहां पर ये क्या हुआ, अब यहां पर ये होगा हमारा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी और वन बाई एन क्यूब, देखो ये टू आर स्क्वायर हो जाएगा, तो सिग्मा टू आर स्क्वायर माइनस और ये हो जाएगा सिग्मा आर, आर क्या है वन से एन है, आर क्या है वन से एन है, देखो यहां पर समझो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी वन बाई एन क्यूब, देखो यहां टू कॉन्स्टेंट है सिग्मा आर स्क्वायर, टू बाहर आ जाएगा, सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन बाई सिक्स ये हमको मालूम होगी सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू, और यहाँ पर सिग्मा आर की वैल्यू क्या हो गई एन इंटू एन प्लस वन बाई टू हो गई, समझो बच्चों ध्यान से है ना, एन क्यूब बाहर है और ये टू बाहर आएगा और सिग्मा आर स्क्वायर की देखो वैल्यू ये हो गई। अब देखो काम करो एन को बाहर कॉमन ले लो, तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी यहां से n n बाहर कॉमन आएगा कट जाएगा तो 1 अपॉन n स्क्वायर बच जाएगा, तो ये बच जाएगा 2 से इसे काटोगे तो 1 by 3 हो जाएगा, तो n plus 1 और 2n plus 1 2n plus 1 by 3 और माइनस यहां पर क्या बचेगा n plus 1 by 2 बचेगा। और थोड़ा देखो इसको हम लोग सिंपलीफाई यहां पर कर लेते हैं, और कुछ नहीं बचा इसमें, केवल हमें सिंपलीफाई ही करना है, और यहां पर बच्चों देखो कुछ इसमें नहीं बचा, ठीक है ना, बोलो देखो जल्दी जरा, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूं जैसे मैं कोई प्यासा सावन हूं,
बादल। देखो इसमें से n प्लस वन को कॉमन ले लिया जाए तो बचेगा 2n प्लस वन बाई थ्री माइनस वन बाई टू। ठीक है, इसको यहां लिखते हैं। जब जब तू छुप जाती है इन फूलों की गलियों में। अब देखो सिक्स हो गया एलसीएम तो क्या बचेगा, ये बचेगा फोर एन प्लस टू और माइनस का थ्री बचेगा। ये बचेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस वन एन स्क्वायर और यहां पर क्या बचेगा 4n माइनस वन बाई सिक्स बचेगा। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना होगा बच्चों, n स्क्वायर कॉमन लेके काटना होगा। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, देखो ऊपर से n कॉमन लो तो 1 प्लस वन बाई एन बचा, है ना। और यहां से भी थोड़ा सा कहां लिखें भाई, खैर तुम समझ जाओगे। इसके आगे n कॉमन लिया तो 4 माइनस वन बाई एन बचा और अपॉन सिक्स हो गया, एन स्क्वायर हो गया। बोलो भाई एन यहां से कॉमन लिया, एन यहां से कॉमन लिया, जिससे एन स्क्वायर से ये एन कट जाएगा। अब जब एन को रखोगे इन्फिनिटी तो ये भी जीरो, केवल ऊपर फोर बचेगा तो फोर बाई सिक्स यानी कि टू बाई थ्री आंसर बचेगा, जो हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था। इजी है काफी भाई, नीचे एन स्क्वायर है, इसमें से एन कॉमन लो, इसमें से एन कॉमन लो, एन स्क्वायर कट जाएगा तो वन प्लस वन बाई एन आ जाएगा। यहाँ एन कॉमन लिया तो फोर माइनस वन बाई एन आ जाएगा। एन को रखोगे इन्फिनिटी तो वन बाई एन जीरो, वन बाई एन जीरो क्योंकि एन इन्फिनिटी है, तो ऊपर वन इंटू फोर बचा तो फोर बाई सिक्स का मतलब कितना हो गया टू बाई थ्री। इसके बाद तुम कर लोगे इजी भाई, इसके बाद थोड़ी इसमें कुछ बचा सवाल में भाई, इसके बाद तो बच्चों इजी है ना, बोलो कर लोगे। तो यही हम लोगों ने आंसर अपना डायरेक्ट मेथड से भी निकाला था। तो ये बच्चों पार्टीशन मेथड हुआ। तो देखो हमने कितनी होशियारी से यहां पर पार्टीशन मेथड को लगाया है ना। जी फंक्शन एफ बाउंडेड है और जी क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसा है नॉन डिक्रीजिंग, क्योंकि एक्स स्क्वायर फंक्शन जीरो से वन में नॉन डिक्रीजिंग होता है, ये बात हमको मालूम है। और यहां पर मैंने सी आर को एक्स आर के बराबर ले लिया था क्वेश्चन को इजी करने के लिए, क्योंकि सी आर एक्स आर माइनस वन और एक्स आर के बीच में था, तो मैंने सी आर को एक्स आर के इक्वल ले लिया था और पार्टीशन को इक्वल लिया था। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने ये पार्टीशन की हेल्प से अपने क्वेश्चन को किया है, जो कि काफी आसानी से मैंने निकाला, और ये बेसिक थ्योरी है आर एस इंटीग्रल की। अब ये पार्टीशन मेथड कहां से आया इसको मैं आगे बताऊंगा, परेशान मत होना, तो सारी चीजें होंगी, टेंशन नहीं लेना, अच्छे से होंगी, समझ के होंगी। ठीक है बच्चों, चलिए बेटा इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।